तो हेलो भाई लोग, हमारे शहर पे अटैक कर चुका है सायरन हेड, और सायरन हेड से बचने के लिए हमें अपने हल्क को एक्टिवेट करना पड़ेगा और दोनों को एक साथ ले जा करके दोनों के साथ होगी घमासान युद्ध। तो आज के इस वीडियो में कौन जीतेगा, हमारा हल्क या फिर सायरन हेड, वो तो आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। तो गाइज, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे शहर पे अटैक कर चुका है सायरन हेड, और सायरन हेड से बचने के लिए हमें हल्क को भी लाना पड़ सकता है। तो आज के न्यूज़ ताज़ा पहले देख लेते हैं कि हमारे शहर पे सायरन हेड कहां तक अभी तक अटैक कर चुका है और कहां पर है। तो देख लेते हैं, न्यूज़ हमने ऑन किया और भाई देख सकते हो कि हमारे शहर पे जो कि बड़ी वाली शहर के ऊपर अटैक कर चुका है सायरन हेड। और सायरन हेड यार काफ़ी ख़तरनाक होता है, वैसे अभी रात है और इससे हमें बचना पड़ेगा, वरना ये रात में हमें हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और दिन का तो मुझे पता नहीं। तो चलते पहले बाहर, मुझे यार कुछ आवाज़ सुनाई दे रही, लग तो रहा है ऐसा जैसे कि कुछ अजीब आवाज़ आ रहा है। तो सामने बाहर की तरफ चलते हैं, लेकिन यार मुझे ना थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि यार अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और इतनी रात में कोई भी घर से बाहर निकलता भी नहीं है। लेकिन मैं बाहर निकलता हूँ और देखते हैं कि यार हमारे शहर पर कौन से चीज़ ने, भाई ये देख लो, कुछ आवाज़ें बहुत तेज आनी स्टार्ट हो जाए। अबे यार ये तो सायरन हेड है, और सायरन हेड से बचने के लिए भाई मुझे जाना पड़ेगा अपने घर के अंदर, और घर के अंदर जाकर के मुझे छुपना पड़ जाएगा, क्योंकि सायरन हेड ने मेरे घर की तरफ भी अटैक कर चुका। अब ये मेरे घर के ऊपर ना अटैक कर दे, इसलिए मुझे छुपना पड़ जाएगा यार, दिन होने का वेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी दराज या अलमारी जो कहते हैं, इसी के पीछे मैं छुप जाता हूँ और सुबह होने का वेट करता हूँ। और सुबह होने के बाद मैं जाऊँगा पुलिस स्टेशन में, और भाई सुबह हो चुकी है और मैं जाता हूँ डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में, और वहाँ मैं कंप्लेन लिखाता हूँ यार, क्योंकि कल रात जो था ना, सायरन हेड ने मेरे घर के ऊपर अटैक, और यानी कि मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। तो हम चलते हैं पुलिस स्टेशन पर, पुलिस वालों को बता दूंगा कि यार कल रात मेरे ऊपर सायरन हेड ने अटैक कर दिया था। लेकिन अगर मैं दौड़ता रहा और पैदल जाता रहा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है, जिसके लिए मैं अपनी कार ले लेता हूँ। और मेरी फॉर्च्यूनर देख सकते हो कि मैं अपनी फॉर्च्यूनर को हमेशा अपने घर के पास ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी ज़रूरत इसकी आ सकती है। आज मेरी बाइक है नहीं, घर के बाहर मैंने लगा दिया है गैराज के अंदर। फिर चलते हैं पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वालों को कंप्लेन मैं लिखा दूंगा, क्योंकि यार कल रात मैं मरते मरते बच चुका हूँ, क्योंकि सायरन हेड ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। और देखते हैं कि पुलिस वाले क्या एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। लेकिन यार पुलिस स्टेशन में आने के बाद ही देख सकते, सामने ही दो दो गार्ड को भाई लगा दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लग रहा है कि ये मामला सीरियस हो चुकी है। और पुलिस स्टेशन में मैं आ चुका हूँ यार, पुलिस वालों को मैं कुछ भी बोल रहा हूँ लेकिन इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं यार, इन लोगों ने अपना सेफ्टी कर लिया है और बाद बाकी सारे लोगों को कह रहे हैं कि अपना अपना सेफ्टी खुद से करें। यार ऐसा थोड़े नहीं होता है, तो मुझे उसके लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि यार पुलिस वालों ने साफ ही मना कर दिया कि मैं तुम्हारा मदद नहीं करूंगा। यार इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा मुझे ये समझ में नहीं आता। तो मैं चलता हूँ, कुछ सोचता हूँ घर पे जा करके, और कुछ करके देखते हैं यार, शायद से मुझे कुछ, अरे भाई ये क्या, मैंने कुछ भी किया नहीं। यहाँ पर मिशन लिखा गया भाई कि मिशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके लिए मिशन कैसे स्टार्ट हो चुका है, मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं। लेकिन यार मुझे लगता और लग रहा है ऐसा जैसे कि हल्क बनने का मिशन स्टार्ट हो चुका है। और भाई यहाँ पर देख लो, एक और मैसेज आ चुका है यार, इसमें लिखा हुआ है यार गो टू MP सूट सी टू अनलॉक हल्क। यार ये क्या मैसेज है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर देख लो किल MPC मुझे बताया गया, यार मैं इस बंदे को मारता हूँ। और भाई यहाँ पर देख लो, एक ये मिल चुका है मुझे कि 5 कलेक्ट करना है, इसके लिए मुझे लगता है कि 5 MPC को मुझे मारना पड़ेगा। अगर मैं किसी गन या किसी से अगर मारा तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी, तो मैं उसको मुक्के से ही मारना पड़ेगा यार, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा MPC को मैंने मार दिया, यहाँ पर देख लो गाइस इसके दो MPC को मारने पर 2 मिल चुका है हमें, जो कि इसके लिए मुझे 5 MPC को मारना पड़ेगा। और MPC को भाई लड़ने के लिए काफ़ी ख़तरनाक, और मेरे पास तो अभी ज़्यादा हेल्थ भी बची नहीं है, क्योंकि MPC जो है ना मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा है, और इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा का मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी है। और यहाँ पर देख लो 3 MPC को मैंने मार दिया, और 3 पत्तियाँ मेरे मिल चुकी है। और अब नेक्स्ट जो कि 4-5 2 MPC को और मारना मुझे, यार ये रुक क्यों नहीं रही, अबे यार ये रुक क्यों नहीं। अब देख लो ये खुद ही मेरे ऊपर अटैक कर रही, तो इसको मैं मार देता हूँ। और भाई काफ़ी सारे मुक्के मैंने मारा तब जा करके ये मरी,
और 4 NPC को फाइनली मैंने मार दिया है, और अब लास्ट NPC सिर्फ बचा है जो कि 5 NPC को मुझे मारना है, तो 5 पत्तियां मेरे मुझे मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये रहा एक NPC जो कि इसको मुझे मारना है। यार ये लोग एक जगह रुक क्यों नहीं रहे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर ये भी मुझे फाइट किया और मैंने इसको ही मार दिया, 5 NPC को मैंने मार दिया है और 5 पत्तियां मैंने कलेक्ट कर लिया है। यार अभी मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा कुछ, और यहाँ पर और क्या ये देख लो गाइस, इसके फाइनल मतलब के कम्प्लीट मिशन हो चुका है यार। तो फाइनली पूरा कंप्लीट मैंने मिशन कर दिया, मिशन तो हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट कद, और भाई यहाँ पर आ चुका है वेट फॉर नाइट मूड, मतलब कि हमें रात होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो रात तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे शहर में किसी वक्त भी हो जाता है, और रात भी फाइनली होने ही वाला है मुझे लग तो रहा है ऐसा, क्योंकि अंधेरा हल्का होता जा रहा है। और देखते यार यहीं पर मुझे जो कि मिशन कंप्लीट करना है तो इसी तरफ मुझे रुकना पड़ेगा पूरा का पूरा रात होने तक, और देखते हैं कि क्या होता है यार। शायद से मुझे लगता है कि यार रात होने पर जो कि सायरन हेड है ना वो हमारे शहर की तरफ आएगा और उससे मुझे लड़ाना पड़ेगा हल्क को। तो देखते हैं यार रात होने तक का वेट करते हैं, और फाइनली मुझे लग रहा है और रात हो चुका है यार। एक बैग से पूरा का पूरा अंधेरा, और यहाँ पर गो टू एयरपोर्ट लिखा करके आ चुका है, मतलब कि मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाना है। और एयरपोर्ट के अंदर किस लिए जाना है यार, यहाँ पर आ चुका है सायरन हेड क्या यार। यहाँ पर गो टू एयरपोर्ट बिल्डिंग, मतलब कि मुझे एयरपोर्ट के बिल्डिंग के ऊपर जाना है, एयरपोर्ट के बिल्डिंग के ऊपर। भाई यहाँ पर देख लो आवाज़ भी काफ़ी खतरनाक खतरनाक आना स्टार्ट हो चुका है। भाई यहाँ से मुझे फाइनली ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कहीं मेरे ऊपर सायरन हेड अटैक न कर दे और सायरन हेड मुझे यहाँ पर से मार न दे। यार मैं हाल ही से गई सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता हूँ, और सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के बाद मैं छत के ऊपर चला जाऊँगा, और छत पर जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि सायरन हेड मुझे मार पाएगा यार। अटैक तो मुझे लगता है कि सायरन हेड जो है ना वो रात में ही अटैक करता है, रात में ही लोगों को मारता है और सब कुछ को नुकसान तबाह बर्बाद करता है। तो मैं आ चुका हूँ ऊपर, और ये क्या यार मुझे हल्क का कैप्सूल मिल चुका है फाइनली, और हल्क का कैप्सूल ले लेते हैं। और हल्क के इस कैप्सूल को लेने से हम हल्क बन सकते हैं, और फिर जाकर के हमें हल्क, मैं तो बन चुका हूँ, और फिर मुझे अब जो कि सायरन हेड से फाइट करना है। और मैं हल्क बन चुका हूँ तो अब मैं किसी वक्त भी बन सकता हूँ, और किसी वक्त भी नॉर्मल इंसान बन सकता हूँ। तो हल्क मैं बन चुका था भाई, काफ़ी ख़तरनाक। और यार पिछली वीडियो में मैं हल्क बना था और उसमें मैंने काफ़ी सारे मॉन्स्टर से फाइट किया था, और इस दफ़ा देखते हैं कि सायरन हेड से मैं हल्क बन करके फाइट कर पाता हूँ, या फिर इससे मैं जीत पाता हूँ, या तो फिर हार सकते हैं। तो चलते हैं फिर सायरन हेड का इंतज़ार करते हैं। यार मुझे ना कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही, जो कि आवाज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी पुरानी वाली बिल्डिंग जो है ना, पुराने वाला घर, ओल्ड हाउस, उसकी तरफ से मुझे लग रहा है कि ये आवाज़ मुझे आ रही है। तो मुझे लगता है यार कि सायरन हेड जो है ना वो आ चुका है रात होते ही, और फिर चलते हैं और सायरन हेड को ढूंढते हैं, सायरन हेड किस तरफ चला गया है। और इसीलिए रात होने तक का वेट मुझे करने के लिए यहाँ पर कहा गया था, और यार रात हो चुकी है, लेकिन ये लोग देख लो गाड़ी चला रहे हैं ऐसे, और दोनों का दोनों टकरा रहे हैं आपस में। यार सायरन हेड का तो आवाज़ यहीं से आ रहा था, अब बंद हो चुका है, लेकिन ये आवाज़ तो मुझे लग रहा है कि भाई हमारे जो के विलेज एरिया है उस साइड से आवाज़ आ रहा है। तो विलेज एरिया की तरफ चलते हैं यार, और देखते हैं कि विलेज एरिया की तरफ तो नहीं चला गया ये सायरन हेड, और सायरन हेड को मुझे ढूंढना है। और यार अब मुझे कुछ अलग तरीके दिमाग लगाना पड़ेगा, और अब यार फाइनली मुझे लग रहा है कि सायरन हेड जो है ना वो विलेज एरिया की तरफ चला गया है, और विलेज एरिया की तरफ मुझे जाना पड़ेगा सायरन हेड को देखने के लिए। और ये क्या यार मैं विलेज एरिया की तरफ चला गया, भाई ये क्या हो रहा है भाई। सामने की तरफ मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि कोई सायरन हेड या कुछ भी आ चुका है यार। ये आवाज़ बहुत का मतलब बहुत भयंकर, बहुत ख़तरनाक। और ये क्या मुझे दिख चुका है सायरन हेड यार, ये देख लो ये तो विलेज एरिया की तरफ आ चुका है, और ये पूरी सिटी को बर्बाद कर रहा है यार। इससे मुझे रोकना पड़ेगा, मैं काम करता हूँ कि यहाँ से मैं जाता हूँ, सायरन हेड जो है वो मुझे देख चुका है तो मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो वो मेरे पीछे पीछे आना स्टार्ट कर देगा। तो मैं चलता हूँ अपने वापस से, यानी कि अपने घर वाले घर की तरफ वाले फील्ड की तरफ, और सुबह होने तक का वेट करता हूँ। वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है यार, और
मुझे ऐसा लग रहा है कि सायरन हेड जो है ना वो मेरा पीछा कर रहा है और मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है। मुझे करना है कि फटाफट से अपने घर जाना है, वरना ये सायरन हेड मुझे घेर कर यानी पकड़ करके वेस्ट कर सकता है, जिसके लिए मुझे फटाफट से अपने घर पे जाना पड़ेगा और छुपना पड़ेगा। फिर से मैं वहीं जा करके छुप जाऊँगा उस गैराज के पीछे, वरना ये सायरन हेड जो है ना वो मेरे ऊपर अटैक कर देगा। और सायरन हेड को मैंने किसी तरीके से करके अपने सिटी की तरफ गए तो ले करके आ चुका हूँ। यार ये सायरन हेड जो है ना वो मेरे ऊपर अटैक कर दिया है और मैं यार फटाफट से हाली हाली अपने इस कार से निकलता हूँ और वापस से मैं वहीं जा करके छुप जाता हूँ जहाँ मैं रात में कल रात में छुपा था, और मैं वहाँ पर बच चुका था। और इसी जगह पर मैं अगर छुप गया तो बच जाऊँगा। अब सुबह होने का वेट करते हैं और यहीं पर मैं छुप जाता हूँ। और यार काफ़ी देर होने के बाद मतलब फिर से सुबह हो चुकी है और अब मैं चलता हूँ फटाफट से अपनी कार को लेकर के सायरन हेड के पास और अपने हल्क को एक्टिवेट करके इस सायरन हेड की बैंड बजाऊंगा। यार मुझे तो लगता है मैं सायरन हेड को मार सकता हूँ। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि यार ये सायरन हेड हल्क के सामने टिक सकता है। वैसे आप लोग अभी से ही कमेंट करके बता देना, लेकिन अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यार ये सायरन हेड तो यहीं तक आया था और ये किस तरफ चला गया ये देख लो गाइस कि 2-3 सायरन हेड, जो कि एक वाइट एक रेड एक छोटा वाला सायरन हेड जो कि हमारे शहर के ऊपर अटैक कर दिया। तो अब मुझे अपने हल्क को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये देख लो हल्क का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको दबाया और सायरन हेड से हमारा हल्क जो वो फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। और देखते हैं यार कि हमारा हल्क इससे फाइट करने में हारता है या जीतता है। यार हमारे हल्क को तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, मगर हमारा हल्क जो कि लड़ रहा है। और यार हमारा हल्क तो लड़ा जा रहा है और देख लो सायरन हेड की तो इसने बैंड बजा दी, कचम्मर एकदम बना दिया है। और ये क्या सायरन हेड और भाई देख लो हमारा हल्क दोनों गायब हो चुका है। यार ये क्या हो गया भाई, सायरन हेड को मारा हमारा हल्क और सायरन हेड और हमारा हल्क गायब हो गया। ये क्या भाई, ये क्या भाई, यहाँ पर कंटिन्यू जो कि ये करने के लिए मुझे कहा गया यार, लेकिन मैं अब नहीं लड़ सकता यार, काफ़ी ज़्यादा मार खा लिया हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको मारा भी, बहुत का मतलब बहुत ख़तरनाक है यार, मुझे इससे फिर से लड़ना पड़ेगा। जो कि आपने यहाँ पर पहली वीडियो में यहाँ पर देख रहे हैं जो कि 3-3 सायरन हेड है, तो मतलब कि मुझे नेक्स्ट पार्ट में भी इस 3 सायरन हेड से लड़ना पड़ेगा। यार इतना ज़्यादा मुश्किल भाई एक सायरन हेड को मारने में मेरी तो पसीने निकल गए, मगर यार यहाँ पर 3-3 सायरन हेड से लड़ना है तो इसके लिए मुझे अपने बहुत सारे सुपर हीरो को बुलाना पड़ेगा वापस से और इस सायरन हेड के बीच में अपने सुपर हीरो से फाइट कराना पड़ेगा अपनी पिछली वीडियो के नाइट। और गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे मज़ेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियो देखने के लिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।